मध्य प्रदेश के विधि मंत्री हमारे साथ हैं पीसी शर्मा जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो कि बीजेपी की भोपाल से उम्मीदवार है, आपने कहा सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल रीओपन की जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने भी आपके बयान पर सहमति जताई, क्या कहेंगे? प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरह का बयान महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में दिया कि उनका जो हत्यारा था नाथुराम गोडसे वो देशभक्त था, और जो हेमंत करकरे जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए, हिंदुस्तान की सरकार ने इनको अशोक चक्र दिया, उसके लिए कहा कि वो देशद्रोही था। इन बयानों के बाद एक चीज़ सिद्ध हो गई कि जो सुनील जोशी हत्याकांड में जो इन पे चला था, कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका इनकी है। जो आदेश था जज साहब का देवास में, उसका पैरा नंबर 124 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसकी जांच ठीक से नहीं हुई, अनुसंधान ठीक से नहीं हुआ, चाहे कहाँ करें उसको? इसका सिंपल है। दूसरा, कलेक्टर ने वहाँ पे देवास में इसको वहीं वाइंड अप कर दिया। उस कलेक्टर को कानून मंत्रालय में इसको भिजवाना था, लॉ मिनिस्ट्री में, उसमें ओपिनियन होता, उसके बाद ये आगे मूव होता, वहाँ कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन बीजेपी की सरकार के दबाव में ऐसा हुआ है, हम उस फाइल को बुलवा रहे हैं, उस केस को बुलवा रहे हैं, उसके बाद कानूनी सलाह लेके उसको आगे के कोर्ट में इसको लगाएंगे। एक और सवाल है, अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने खुद कहा है मीडिया से बातचीत में कि कई विधायकों को 50-50 करोड़ के ऑफर दे रहे हैं बीजेपी के लोग कि वो सरकार गिराएं, आपको कोई ऐसी जानकारी है? कितने ही ये जो काम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के पहले से कर रही है, इसके पहले भी 3 प्रसंग आए और लोगों को ले गए, साथ में ले गए बैठे हुए हमारे कुशवाहा जी, लेकिन कोई भी कांग्रेस का विधायक इन पैसों से या किसी भी प्रलोभन से टूटने वाला नहीं है, सब साथ हैं। 114 का फिगर, 116 का फिगर, 121 के फिगर तक की कांग्रेस के साथ आज विधायक हैं। सूत न कपास चुनाव में लट्ठम लट्ठा, कल जब परसों रिजल्ट आएगा, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो 20-25 लगे हुए जो कांग्रेस समर्थन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री भी हैं और विधि मंत्री भी, जिन्होंने दो मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। पहला, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो फाइल है देवास के जो सुनील जोशी हत्याकांड की, उसको रीओपन करने की बात कही है। दूसरा, विधायकों की जो खरीद फरोख्त की जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है, उस पर उनका ये दावा है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आएगी केंद्र की। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल न्यूज़24।